राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का मेरे न्यू चैनल मेरे 24 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको श्री कृष्ण जी के मोरपंग से जुड़ी एक बहुत अच्छी कथा बताने जा रही हूँ ये कथा सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा आपको मोरपंख के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा मोरपंख के बारे में शायद आपको पहले इस जो मैं बताने जा रही हूँ शायद ना पता हो या पता भी हो तो बहुत अच्छी बात है पर जिनको नहीं पता है कि मोरपंख के पीछे क्या राज है उनको आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं भगवान के मस्तक में जो मोरपंख सदा विराजमान होता है भगवान सदा धारण किए रहते अपने भग, मस्तक पे मोरपंख को उस मोर पंख के पीछे क्या कथा जुड़ी हुई है भगवान से जुड़ी क्या कथा जुड़ी हुई है आज मैं आपको सब इस वीडियो में बताऊंगी तो आप मेरे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और चलिए फिर शुरू करते हैं श्री कृष्ण के लीला काल का समय था गोकुल में एक मोर रहता था वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तेरे गोपाल सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे इसी प्रकार वह प्रतिदिन यही गुनगुनाता रहता एक दिन हो गया दो दिन हो गया इसी तरह पूरे एक साल हो गया परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी उसने मोर को रोते हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था वह अचंभित इसलिए इसलिए हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा वह मोर से बोली हे hey, मोर तू तो रोता क्यों है तब मोर ने बताया कि मैं पिछले एक वर्ष से इस छलिये को रिझा रहा हूँ परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं यह सुनकर मैना बोली मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ तू मेरे साथ वहीं चल राधे रानी बहुत दयालु है वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी मोर से मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर और, और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए राधा रानी के द्वार पर पहुँच मैना ने गाना शुरू किया श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा आ रहा था मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे जब राधा जी ने यह सुना तो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है तब मोर ने बोला जय हो राधा रानी आज तक सुना था कि तुम करुणा मई हो और आज देख भी लिया राधा रानी बोली वह कैसे तब मोर बोला मैं पिछले एक वर्ष से श्री कृष्ण जी के द्वार पर इस नाम की धुन गाता रहता हूँ किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया राधा रानी बोली अरे नहीं मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं तुम एक बार फिर से वहीं जाओ किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं राधे राधे रटना मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौट कर गोकुल वापस आ गया फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिए और बोले हे hey मोर तू कहा से आया है यह सुनकर मोर बोला वाह रे चलिए जब एक वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा और अब जब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया कृष्ण बोले अरे बातों में मत तुलझा पूरी बात बता तब मोर बोला मेरी एक वर्ष से यही यही गाना मैं आपके द्वार पर गा रहा हूँ मेरा न कोई सहारा बिना तेरे गोपाल सावरिया मेरे माँ बाप सावरिया मेरे किंतु आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया इस प्रकार मोर ने समस्त वृत्ंत श्री कृष्ण जी को कह के सुनाया तब श्री कृष्ण जी बोले मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया यह मैंने पाप किया और तूने राधा रानी का नाम लिया यह तेरा सौभाग्य है इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों यदि श्री कृष्ण का आपको सानिध्य चाहिए और श्री कृष्ण की कृपा चाहिए उनका आशीर्वाद चाहिए तो प्रेम से कहिए जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे तो फ्रेंड्स ये रहा मोरपंग से जुड़ी कथा भगवान श्री कृष्ण जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यह कथा हम सभी को प्राप्त हुई है भगवान श्री कृष्ण और मोर से जुड़ी हुई यह प्यारी कथा आज हम सभी भक्तों को सुनने को मिली है तो आप भी हमेशा जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे कहते रहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए क्योंकि भगवान जी ने स्वयं कहा है जो मेरे से पहले राधे नाम लेगा उस पर मेरी कृपा सबसे पहले और हमेशा रहेगी करके इसलिए राधे राधे भी बोलिए और कृष्ण कृष्ण भी कहिए क्योंकि दोनों नाम एक ही हैं इसलिए मोर ने जैसा जय जै राधे राधे कहा वैसे आप भी अब आज से अपने जीवन में इस मंत्र को धारण कर लीजिए और हमेशा जय राधे राधे का जाप कीजिए इससे आपको राधे रानी मैया और श्री कृष्ण भगवान दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और जिससे आपके जीवन में बरकत होगी खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन में आपका कल्याण होगा तो ये रहा फ्रेंड्स आज मेरे इस वीडियो में मोरपंख के द्वारा का बहुत अच्छी से जुड़ी कथा मोरपंग से जुड़ी जो इतनी अच्छी कथा है भगवान से जुड़ी जो इतनी अच्छी कथा है वो आज मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा मोरपंग से जुड़ी जो मैंने जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और जो और जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरे अगला वीडियो हो आप उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले मिले तब तक के लिए थैंक यू सो मच मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में प्रेम से बोलो जय राधे राधे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग